अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला है दोस्तों कुछ इस तरह का दीपावली एक्सटेंडेड वीडियो कैसे बनाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, आपको कैनमास्टर ओपन कर लेना है। कैनमास्टर ओपन हो जाएगा तो ओपन जो सोलो का रेशियो है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करने का कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, क्लिक कीजिएगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करने का कुछ इस तरह से बैकग्राउंड ले लेना है। तो दोस्तों मैं बैकग्राउंड इमेज ले लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ब्लब इमेज सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक ब्लब इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा जूम करके इसे बड़ा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं कुछ इस तरह से पीएनजी इमेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो डायरेक्शन है इसे यहाँ से मिला देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से फायरवर्क्स पार्टी डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके रखा है, ऐसे कोई भी एक ले लीजिएगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा बढ़ा कर लेना है। बढ़ा करने के बाद इसको यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, फिर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद ओवरले पे क्लिक करना है। फिर अभी जो हम डाउनलोड किए हैं उस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है। इसके दोस्तों फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कुछ इस तरह से इसको बढ़ा करके ओके पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद फ्रेंड फिर लेयर पे क्लिक करना है, फिर ओवरले पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने का जो अभी हम डाउनलोड किए उसे फिर से एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जो अभी हम डाउनलोड किए उसे फिर से एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर आके थोड़ा इस तरह से इसे बैठा देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर लेयर पे क्लिक करना है, फिर ओवरले पे क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों जो अभी हम डाउनलोड किए उसे फिर से एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद फ्रेंड क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से लाइटिंग टेम्पलेट वीडियो ले लेना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से लाइटिंग टेम्पलेट वीडियो मैं ले लेता हूँ, का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसको यहाँ से स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद फ्रेंड क्या करना है, आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं इस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, उसको इससे बड़ा कर लेना है। उसके बाद फिर ब्लेंडिंग, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसको यहाँ से स्कैन करके ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद कुछ इस तरह से 3D टेक्स्ट इमेज वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से स्कैन करके ओके पे क्लिक कर देना है और इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो फ्रेंड फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। इश्क़ का